इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। असुर मार थापहिं सुर न राखहिं निज सुति जग विस्तारहिं विषद यही राम जनम यही हेतु है। हेतु माने कारण राम जन्म का। और भगत लोग सोई जस गाई भगत भवतर सोई जस गाई भगत भवतर कृपा सिंधु जनहित तनु धर कृपा जन्म एक तुई कहम बखानी जन्म एक तुई कहम बखानी सावधान सुनो सुमति भवान सावधान सुनो सुमति भवान बाबा कहते हैं भगवती हम एक दो जन्म की कथा विस्तार से कहेंगे, अब कुछ को संक्षिप्त कहेंगे। सावधान होकर सुनी। पांच कारणों की चर्चा बाबा करते हैं। जय विजय को सनकादिक गणों का शाप मिला, तीन जन्म असुर शरीर धारण करोगे। भगवान ने तीसरे जन्म में शरीर धारण करके उनको गति दिया द्वापर में। राक्ष हिरणाकशिपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र भगवान ने गति दिया। जालंधर की कथा है, उनकी अपनी अर्धांगिनी सत्य वृंदा के पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके जालंधर देवताओं को जीत लिया, बड़ा प्रतापी हुआ। भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी का शील भंग किया, तत्पश्चात भगवान शिव ने उसका अंत किया। जालंधर रावण भैया परमात्मा श्री राम मेरे कश्यप आदित्य जी के पुत्र बनकर आए और रावण रूपी वह जो जालंधर है उसको गति प्रदान किए। सती वृंदा तुलसी का बिरवा हुई जो भगवान शालग्राम पर चढ़ती है, क्योंकि सती ने विष्णु भगवान को काला पत्थर होने का शाप दे दिया था। गंडकी नदी में शालग्राम जी पाए जाते हैं बिहार प्रांत में। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया देवी, एक कल्प में भगवान ने अवतार इस निमित्त लिया है। माँ चकित हुई, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों श्राप दे दिया। प्रभु बोले देवी न कोई ज्ञानी न मूढ़, भगवान जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को जेहि जब रघुपति करहिं जस सो तस ते ही छन। भगवान जिसको जब जैसा करना चाहते हैं उस क्षण वैसा ही हो जाता है। भगवान किससे कब क्या करवाना चाहते हैं भगवान जानते हैं, इसलिए जीव के किसी अपराध पर तो ध्यान बहुत देने नहीं। जीव भी यंत्रवत चल रहा है साथ। बड़ी अद्भुत स्थिति है देश की। भगवान करे, भगवान सबकी रक्षा करें,
और सबकी रक्षा करें चाहे न करें, दशवा का भगवान रक्षा करें, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। सबकी रक्षा तो हो ही रही है। कृष्ण केशव पाय माम राम राघव रक्षमाम, एक हमारा पद है रक्षमाम, भगवान सबकी रक्षा करे, मंगल हो। तो नारद जी ने शाप दे दिया, भगवान ने अवतार ले ली। अब आप विचार करें कि भगत जी ने शाप क्यों दिया? अरे भैया, भगत भगत रहे तब ना। भगत तो लोग ही चाहत वाक जौन हम सोचे तौने हो ही जाए। क्या हो भगत जी? नहीं नहीं नहीं, न सोचा करिए, सोचिए वो जो हो रहा है वही ठीक हो रहा है। भगवान को कभी बाध्य न किया जाए। भगत और अभगत में इतने मूल अंतर है। भगत भगवान को बाध्य नहीं करता, ऐसा नहीं होके चाहिए। भगत क्या कहता है? जैसन प्रभु आप चाहें वैसन होके चाहिए। हम तो आपकी रजा में रजा है, जैसा आप चाहो बस। भगत बाध्य नहीं करता। अभी मैं कानपुर में प्रकाश भैया गया था एक जगह, तो सामान्यतया मैं चौराहों पर खड़ा नहीं होता। कोई भगत जी देख लिए रोके रुके, कहे महाराज 10 साल से आपका भजन हम अपने होटल में बजा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करूं आपके लिए, पर मैं चाहता हूं बस 1 मिनट के लिए चरण डाल दीजिए। तो मैं कुछ बोलूं इसके पहले दरवाजा गाड़ी का खोल दिए। तो मैंने कहा भैया अब तो हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? कहे ना गेट हम खोलते तब तो हमारा मन होता, आपे खोल दिए तो आपका मन है, अब हम फिर आएंगे तब जाएंगे। अब बेचारे बड़े दुखी हुए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको मैंने कहा था क्या कि हम आपके होटल में आके चरण डालेंगे? नहीं ना, तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? अरे इतना बड़ा मेरा सौभाग्य। हमने कहा ना 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 ना, आप अपने आप रामायण मत लिखिए, यही हम सबकी गति है। हम लोग ये चाहते हैं जैसा हम सोच लें वैसे होना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, इसी का नाम है अहम। हम जैसा सोचे वैसा ना हुआ ना तो गड़बड़ है। जैसे हम लोग इतने रोगी हो गए हैं कि मंदिर में 12 बजे पहुंच गए, भगवान सोए हों तो हम पुजारी महाराज को बोलेंगे कि जाके बताइएगा अमुक आए हैं। अमुक क्या? सुल्तान डाकू। डर के मारे भगवान जग जाएंगे तुम्हारे। मंदिर का पट खोल भी लेगा तू तो भगवान देख कर भी नहीं तेरे को दिखाई पड़ेंगे। इस बात को बिल्कुल हृदय में उतारिए। भगवान का विग्रह दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। आपको क्या लगता है विश्राम में भगवान है तो आप जाकर के मंदिर खुलवा के देख लेंगे तो भगवान आपको समझेंगे क्या? नहीं। भगत को भगवान की सुविधा में अपनी सुविधा उठानी पड़ी। अब भगत लोग क्या सोचे थे, सब हमारे हिसाब से चले, नहीं चलेगा। नारद जी यही मां उलझ ही गए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। हरि सन मांगो सुंदर दाई, हरि बने वानर, भगवान ने वानर का रूप दे दिया। अब इस सुमोहनी वो कन्या विवाह कैसे करेगी? कुंवरी लाई गए लक्ष्य निवासा, सब निराश हो गए। भाव कहने का ये है, भगत हैं, भगवान के भाव में अपना भगवान सम्मिलित करें तो हमारी भक्ति दृढ़ होगी। भक्ति दृढ़ प्रभु प्रभु जो आपकी मर्जी, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे जो जो करा लो मैं तुम पर निछा,
जो जो करा लो मैं तुम पर निछावर दे दो सजाया ना ओ मेरे अल्बे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम ओ मेरे अल्बे। नारद जी इसी में उलझ गए, हमको न उलझना है, कथाएं शिक्षा देती है, भगवान से प्रार्थना करना है, जैसी आपकी व्यवस्था है। प्रसन्न है, गदगद है प्रभु, जो आप करें। नारद जी का शाप स्वीकार करके भगवान ने अवतार लिया और रुद्रगणों को शाप दिए थे, असुर शरीर धारण किए। नारद जी शिव नाम जपे जा करके भगवान ने आज्ञा दे दिया है, एक जन्म का कारण ये। सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी ने कठोर तप किया था, भगवान श्री हरि ने वचन दिया था, आप सरिस खोजऊं कह जाई नृप तब तनय होब मैं आई, मैं ही आपका पुत्र होके आऊंगा। माँ शत्रुपा को भगवान ने वचन दिया, आप मांगिए। माँ ने कहा जो महाराज मांगे वही हमको भाया, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा सौ कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। आप भक्तों की मति गति रहने विवेक हमको प्रदान करें प्रभु। भगवान ने यो मस्त कह दिया, एक जन्म यह। अब राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। वो शाप से प्रताप भानु के स्वरूप से जो रावण हुए, ब्राह्मण देवताओं के शाप से प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ। धर्म रुचि जो इनका सचिव था, महासचिव विमात्र भैया विभीषण हुआ। कठोर तप किए तीनों। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी ब्रह्मा जी मैंने जाकर भर दिया, रावण ने मांगा हम का होके मरे न मारे, वानर मनुष्य जाति बारे, कुंभकर्ण मांगा छह माह निद्रा, एक दिन जगूं खाऊं पीऊं सो जाऊं, दोनों को तथासु कह के विभीषण जी के पास गए। मांगिए पुत्र आप भी पर मांगिए, तेही मांगे से भगवंत पद कमल अमल अनुरा। यह चलत है जन्म जन्म, जौन हृदय में रहत है जौन मन में रहत है। इसलिए इस बात का विचार करते हुए 24 घंटा मन में मनवा राम नाम रस पी, ओरे मनवा राम तजिकु संग सत्संग बैठ नित, तजिकु संग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनी लीजे ओरे मनवा, सुन लीजे मनवा राम नाम रस पी। मन को इसमें रमाइए, रमाते रहिए, रम रमाते रहिए। ये मन में चली तनवा न चली, धर्म चली, सत्कर्म चली, परमार्थ चली, अई मन चली। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।